कार्सिनोवा कैंसर हॉस्पिटल कटक। ये पार्टी भितरे छोटे छोटे घा भलिया बाहर छ खाइला को ढोकिला को टिके कष्ट लागु छ भूख लगता है खाता हूं लेकिन ये उल्टी हो जाता मुझे कान जाए खाली टिके से तक मैं सुबु नहीं बोलचंती। नमस्कार कार्सिनोवा कैंसर केयर प्रोग्राम को आपमन को स्वागत। आज आम हेड एंड नेक रेडिएशन विषय आलोचना करवा। रेडिएशन नहीं कि आम मन साधारण लोकों मध्य कौन सब प्रश्न अच्छी आम जीवनशैली खाद्यपेय चिकित्सा समय कौन से विषय आलोचना करवा। आलोचना करने आज आम सहित अच्छा कार्सिनोवा कैंसर हॉस्पिटल अभिज्ञ कर्कट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्षितिश चंद्र मिश्र सांगठ जानवा कैंसर रोग विषय साधारण रोगीटी कौन भावुची तक मन में कौन सब 10 प्रश्न अच्छी से विषय आज आम आलोचना करवा। जी न बुझिपारी जीभरे कैंसर है तो जीभर कैंसर 6 रेडिएशन होलटा अलरेडी 16 रेडिएशन रेडिएशन सांगे रे किमो भी चली कतेटा किमो है रेडिएशन सांगे दीटा एपर्त हो तो देखो जेहेतु आपणकर जीभरे कैंसर थिला आमर जो रेडिएशन होता टार्गेटेड रेडिएशन बुझाई आपण को तो सर जीभ को ही मैक्सिमम डोज जाऊँ जीभर जो रेडिएशन टा जाऊँ जीभरे कोष गुड़ाक मरुची तो कोष कैंसर कोष हो कि साधारण कोष जेहेतु मरुची से नुआ कोष भी तैयारी हो आ से गुड़ा टिके सेंसिटिव रहे ढोकवा को कष्ट हुए साधारण जिनस गोटे पार्श्व प्रतिक्रिया आम कहानी एटा यार पार्ट ये ढोकवा कष्टा जदि आम सहीकिर उपरे खाइबा कष्ट करके लिक्विड डाइट छतुआ है प्रोटीन पाउडर है जहाँ तरल जिनस हॉर्लिक्स सागु सबू जी आम तरल जिनस सफिसीयंटली खाई दिन को 10 ग्लास खंड तरल खाद्य खाइबा तो बहुत बढ़िया जदि जमारू न हम बहुत कष्ट हम ताहले नली लगे दरकार क्या खाद्य देह को न गले देह दुर्बल है आम को आग को चिकित्सा करा डिफिकल्ट हो। ये पार्टी भितर छोटे छोटे घा भाया बाहर आप जगार कैंसर होता नाक भितर नाक पछ पकर हाँ नाक पछपटा तो कितु घा जीभरे हो जीभरे छोट छोट दाना भाया भी होना हो ना ये टिके टिके आरंभ हो अच्छा आपणकर जो जगार रोग हो नाखर पछ भागे कहते नाजोफारिंग्स है नाजोफारिंग्स जो जगटा से जगार जो रेडिएशन करा जाए किसी बेकर ग्लांड को एवं पार्टी भितर किसी किसी जगह को करा जाए तो से जीभर साइड को अल्प किसीटा रेडिएशन भी जाए तो सहीटा छोट छोट घा हो कुली करंतु जो आपणकर माउथ वाश दिया ताकु रेगुलरली कुली करंतु सफिशिएंट तरल खाद्य खांतु सफिशिएंट प्रोटीन खांतु से आपे आपे कंट्रोल रे रहिबो अथरे रेडिएशन सरीगले से आउ हबनी। मो ना आउची जे मधु प्रधान मो स्त्री ना आउची जे आछि प्रधान से आछि प्रधान रो गाहरी रे ज्वर होउची ज्वर हेले केमिति कोन भलो हबो सेटा सार ना जानि एक्चुअली जे आची प्रधान तांकर बाम पट गालरे कैंसर हेची कैंसर ऑपरेशन हेची ऑपरेशन परे तांकर एबे रेडिएशन चली समस्त को भी जानिया पई कहूची अन्य माने भी जानो जदि रेडिएशन चलला भितरे जदि कीमोथेरापी चलिनी ज्वर आसुची प्राय से ज्वर रेडिएशन पई का नुहे रेडिएशन पई डायरेक्टली ज्वर हबनी आमे पाटी जदि सफा रखुचे सब जिनस सफा अछि डायरेक्टली रेडियोथेरापी पाई का कि जो रेडिएशन चलती तापाई ज्वर हुए ज्वरपाई किसी अन्य कारण थी तो आम से नॉर्मल औषध आगे दबा कथा पार्टी सफा रखा प्लस नॉर्मल औषध एंटीबायोटिक ज्वरपाई औषध दिजिव जदि न कमुची ताल ब्लड टेस्ट करे मलेरिया कि टाइफएड हो कि परिस्रा परीक्षा करूरीन इनफेक्शन हो तो अन्य नॉर्मल कारण गुड़ा खोजा जाए कि रोगी मानकर जमती तुम जो मानकर रेडिएशन सांगे रे कीमो दिया जाउची बेले बेले कीमो रे व्हाइट सेल आमर थाए डब्ल्यूबीसी व्हाइट सेल टिके कमी जाए जो मानकर रेडिएशन सांगे रे कीमो चलते से मानकर व्हाइट सेल कमिले
ଦେହରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଜ୍ୱର ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ହ୍ୱାଇଟ୍ ସେଲ୍ କେମିତି କମିବନି? ଯଦି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଠିକ୍ ରଖିବା, ତାହେଲେ ସବୁଠୁ ମୂଳରେ ହେଲା କଷ୍ଟ ହେଉ ଯାହା ହେଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ତରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମ ଦେହ ଠିକ୍ ରହିବ। ସାର୍, ମୁଁ ସୁନ୍ଦରୀ ପାତ୍ର, ମୁଁ ରାଉରକେଲାରୁ ଆସିଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ନାକରେ ହେଇଥିଲା, ମାଂସର ଯୋଗ ସାର୍ କରିଥିଲେ, କାନ ଏସବୁ ଫୁଲିଛି ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଛି। କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଏବେ? ଏବେ କାନ ଯାକ ଖାଲି ଟିକେ ସେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଶୁଭୁନି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା କହିଥିଲି, କାନ ଯାକ ଶୁଭୁନି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ହଁ ସାର୍, ବସ। କାନ ଶୁଭୁନି? ରେଡିଏସନ୍ ଆଗରୁ ଶୁଭୁନଥିଲା ନା ଏବେ ଶୁଭୁନି? ଆଗରୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା, ତାଙ୍କର ନାଜୋଫାରିଙ୍ଗସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ନାକ ପଛରେ ଦୁଇ କାନ ମଝିରେ ବ୍ରେନ୍ ପାଖାପାଖି ସେ ଜାଗାରେ ରୋଗଟା ଥାଏ, ତାକୁ ନାଜୋଫାରିଙ୍ଗସ୍ କୁହନ୍ତି। ସେ ଜାଗାରେ ରୋଗ ରହିଲେ ଟିକିଏ କାନ ଶୁଭିବାରେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତୁମର କିମୋଥେରାପି, ରେଡ଼ିଓଥେରାପି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗ କମିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କାନକୁ ଭଲକି ଶୁଭିବ। ଜିତେନ୍ଦ୍ର କରଣ, ଏଇ ପାଖ ଗାଁ ସାରକୋଳି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଅଛି। ମୋ ମାଆଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିବାରୁ ଏଠି ମୁଁ ଆଡ଼ମିଟ୍ କରିଥିଲି, ଏବେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ଆଉ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପଡ଼ିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଟିକେ ଜର୍ଜ ଲାଗୁଛି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଢୋକିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ମାଆଙ୍କ ନାଁ ସେବତୀ କରଣ। କେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବାହାରିଥିଲା? ଡାହାଣ ପଟ ଗାଲରେ, ମାଢ଼ି ତଳ। ତାଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେବେଳେ ଆମର ମୁହଁରେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆଯାଏ ଗାଲ ସାଙ୍ଗରେ, ଆମର ଗାଲ କ୍ୟାନ୍ସରର ବେକ ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ବେକର ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଗାଲର କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଗାଲ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇପଟ ବେକର କିଛି କିଛି ଗ୍ଲାଣ୍ଡକୁ ବି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଦିଆଯାଏ, ତ ସେ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଜନିତ କିଛି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଉପର ଭାଗରେ ବାଜିପାରେ। ତ ସେଇପାଇଁକା ତଣ୍ଟିରେ ବି ଢୋକିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଆମେ ଦେଉଛେ, ସେ ଆକ୍ୟୁରେଟ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ରେ ସେଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା କରିବନି। ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଡାଏଟ୍ ଖାଇହେବ, ଯଦି ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେବ ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ରେଡ଼ିଏସନ୍ ସରିଲେ ଇଏ ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ହଁ, ଏବେ ନାକ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ମଝିରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା? ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପାଇଁକା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନାକରୁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ତୁମର ନାକରେ ରୋଗ ନାହିଁ, ତୁମର ରୋଗଟା ଜିଭରେ, ତାଙ୍କର ଜିଭ କ୍ୟାନ୍ସର ଅଛି। ନାକରେ ବ୍ଲଡ୍ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଲା, ସାଧାରଣରେ ବ୍ଲଡ୍ ଥରେ ଅଧେ ପଡ଼ିପାରେ, ସେଭଳିଆ ବି ହେଇପାରେ ବେଳେବେଳେ। ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଯେଉଁ ଜିଭ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ନାକ ପାଖକୁ ବି ରେଡ଼ିଏସନ୍ ଯାଇକରି ତ ନାକ ପାଖଟା ନରମ ହୋଇପାରେ, ଯଦି ସେଠି ଆମେ କିଛି ରାମ୍ପୁଡ଼ି ଦେବା, କିଛି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ବି ରକ୍ତ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଏଇଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଆରାମସେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ବହୁତ ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ରକ୍ତ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା କାରଣ କିଛି ଅନ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ଚେକ୍ କରିକି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ। ମମା ସାକିର ମେରା ନାମ ହେ, ଭୁକ ଲଗତା ହେ ଖାତା ହଁ ଲେକିନ ଇଏ ଉଲ୍ଟି ହୋଇଯାତା ମୁଝେ ଅର୍ ଜୋ ବି ଖାତା ହଁ ଯେଟା ଚଲ୍ଫି ରହିଯାତା ତ ଠିକ୍ ରହତା ଯେ ସୋ ଯାତା ହଁ ତ ଫିର ଓ ଧରା ରହତା ହେ ଓ ଉଲ୍ଟି ହୋଇଯାତା ଓ କୁଛ ପେଟ ମେ ନହିଁ ରହତା ଠିକ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମର କିମୋଥେରାପି ଚାଲିଛି, ତ ଏଥିରେ ତୁମର ଯାହା ଚିକିତ୍ସା ଆଉ ଯାହା ତୁମର ବାନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତ ତୁମର ଭିତରେ କିଛି ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟଟା ପାସ୍ କରୁନି, ଅଟକି ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ପାଇଁ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ ଆମକୁ କିଛିଟା ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଚେକ୍ କଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ଆଗର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା। ସାର୍, ହେଡ଼େନି କ୍ୟାନ୍ସର ନେଇକି ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତ ରହନ୍ତି ସେମାନେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ କାର୍ସିନବର ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସାର୍ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଲିୟର୍ କରିନେବା। ସାର୍, ଛତ୍ରପୁରରୁ ଗୋପାଳ ସାହୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଦୁଇଟା ରାଉଣ୍ଡ ସାର୍ କ୍ୟାନ୍ସର ସରିଯାଇଛି, ଅବିକା ରାତି ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହେଉନି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୋକ କମିଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରେଡ଼ିଓଥେରାପି ହେଇଯାଇଛି, ସରିଯାଇଛି, ଦୁଇଟା ସାଇକେଲ ସରିଛି, ଦୁଇଟା ସାଇକେଲ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ରାତିରେ ନିଦ ହେଉନି, ଭୋକ ସାର୍ କମିଯାଉଛି।
अच्छा रेडियोथेरापी तो मैंने एबे आरंभ होइछि। रेडियोथेरापी रो डायरेक्टली तो निद संगे किछि डायरेक्ट संपर्क नहीं, निद होनी हो तो चिंता तांकर बढ़ी जाइथिव, रोग संबंधी चिंता। देखो आम जब गोटे रोग अलरेडी होइछि आम चिकित्सा करूचे, जोठी भी जी आम चिकित्सा करूचे भरोसा रखा दरकार, हो पारे संपूर्ण भल हो पारे, कह रहा काँ भाँ भल हो तार भल होनी मोर भल हेनी, आम जब भाविबा से भूल जिनस आम निश्चित भल हवा, आम से कन्फिडेन्स आमको रखा पड़ो कहीं जदि आम भल भाविबा ताहले भल हम राति निद भी हम आदि निद हो जमा निद बटिका खाई हम देखा कले आम लिखिद मेडिसिन निद बटिका खाईपर कि चिंता धीरे धीरे कम करूँ, चिंता मुक्त रही निद भी आपे आपे हो। सर से भाई आउ गोटे प्रश्न सर बलांगीर आखिंट मदन कुमार महापात्र सी लिखिंट सर तक सर कैंसर रेडिएशन सरी जाइए पखापाखि 15 सैकेल होती सर से गोटे बहुत संवेदनशील प्रश्न विषय पचार सर से लिखिंट कैंसर गोटे डीआ रोग कहीं रेडिएशन लगुच नाती नाटुणी कि संपर्क में देखा कराया आस भाँ रेडिएशन अच्छी बडी रेडिएशन थी सर देखा कराया आस ना सर कैंसर गोटे डीआ रोग सर ये विषय आप सर कौन मतामत रखिए। एक्चुअली तक तो 15 रेडिएशन हो नंबा हो ठीक अच्छे जहाँ भी रेडिएशन पड़ी कैंसर होदि से भल होती नॉर्मल लोक जमीतिया सी सेमतीया आउ कैंसर तो आदो डिया रोग नुह जार स्टेज 4 थी से भी डिया रोग नुह आणकर जब चिकित्सा होल हो जा रोग हबार संभावना ही ना तो कैंसर आदो डिया रोग नुह। सर से मानसी साहू लिखिंट छत्रपुर सर से लिखिं जी आगे सर थंडा दिन आसूब जो थंडा जो हेड एंड नेक कैंसर केमोथेरापी रेडिएशन चली सर जो सर ज्वर थंडा हुए नाक बंद हो जाए काश हुए से समय सर से डाक्टर को परामर्श कर औषध खाइबे सर ये कौन कर उचित सर। हाँ जदि से जो रेडिएशन चली तो रेडिएशन डेली आसुबे रेडिएशन डिपार्टमेंट डाक्टर को देखेबे मेडिसिन नहीं पारे ना जी जन दूर रोचे जणकर रेडिएशन चली थंडा सीजन में थंडा काश हो नॉर्मल जमी नॉर्मल लोक थंडा काशर जमी मेडिसिन खाईपर ये भी खाईपर नॉर्मल डाक्तर को लिखे देखना नॉर्मल मेडिसिन खाईपर सर मोर शेष प्रश्न रही सर आम रेडिएशन होड एंड कैंसर पर सर आम कौन सब दिग्गति क्यों 5 दिग्गति आम सर ध्यान रखा पड़े आमको दीर्घदिन सुस्थ निरोग रहा सर क्यों दिग्गति आम सर ध्यान रखा सर जो मैंने हेड एंड नेक कैंसर स्पेशली पार्टी गला जीभ यो कैंसर चिकित्सा नौकरी आमको किसीटा जिनसपाइका जोटा पूरा माइंड रखा पड़े प्रथम है पार्टीटा सफा रखा पड़ो कूली पार्टी जमी सफा रहा प्रथम जिनस इनफेक्शन न हो द्वितीय है देहरे जलीय अंश सफिसीएंट रहा दरकार पानी सफिसीएंट पीवा प्रोटीन जातीय खाद्य नॉर्मल आम जहाँ घरे खाऊ जदि खाईपे तो बढ़िया कथा खाद्यटा चकटिकी खाइबा हो बा तरल आकार रे खाइबा हो सफिसीएंट खाद्य खाइबा सफा सुतुरा रहिबा ठीक समय रे आसीबा चिकित्सा सारिबा डाक्टर दउथबा औषध खाइबा चिकित्साटा को कम्प्लीट करिबा। धन्यवाद डॉक्टर खितीश मिश्र। ये थे डॉक्टर खितीश मिश्र जी आमको रेडिएशन संपर्क आलोचना करुले। जदि कैंसर रोग संपर्क आप कौन सी प्रश्न अच्छी तेल आपने कार्सिनोवा कैंसर हॉस्पिटल फेसबुक पेज कि यूट्यूब पेज रे आप प्रश्न पचारिपारे आम चेष्टा करा डॉक्टर मिश्र ठूँ और कार्सिनोवा कैंसर हॉस्पिटल अन्य डॉक्टर मान आप प्रश्न उत्तर रखापी आज कार्यक्रम को ये रखुचु रोची नमस्कार। समस्त प्रकारर कैंसर रोगर सफल चिकित्सा पाई आज ही जोगाजोग करंतु कार्सिनोवा कैंसर हॉस्पिटल कटक। फोन नंबर 9438163280।